きちんとした再会のご挨拶まだでしたよね、綾小路くん。あなたのお父様が作り上げたホワイトルームの最高傑作、私にこそふさわしい。お前に俺が葬れるのか。ये क्या बवाल पोस्ट क्रेडिट सीन था? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे सेक्शन डी वाले सेक्शन सी रूइन को दिखा दिया, मुझे लगा सीरीज खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बट सीधा सेक्शन डी वाले सेक्शन है, असंभव, वो भी चेयरमैन साहब की बेटी के साथ। क्या बोला तूने? बेटे सीरीज के पास बहुत ज्यादा गज से ये चीज दिखाने के, मुझे लगा था सीजन 3 को ऑलरेडी डेवलपमेंट डाल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेकर्स, क्योंकि सीजन 1 के बाद इतना लॉन्ग टर्म ब्रेक जो लिया था। बट ये चीज काफी ज्यादा उनके फेवर में जा रही है, क्योंकि अब जब सीजन 3 आएगा ना, तहलका मचाएगा। लाइट नॉवेल फैंस के अकॉर्डिंगली सीरीज में कुछ फ्लॉज है जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा, पर आज की वीडियो में सबसे बड़ी बात जो मुझे करनी है वो है, सबसे बड़ी रीजन क्या है अयन कोजी ने सुजुने का काउंसिल क्यों ज्वाइन करवाई। मास्टरपीस और फॉर सीनियर जैसे बड़े बड़े सब निकल रहे हैं चेयरमैन साहब की बेटी के मुंह से, मतलब क्या ये व्हाइट हाउस के डेविल को, सबसे बेस्ट क्रिएशन अयन कोजी को, क्या ये दबा सकती है, क्या ये हरा सकती है? मुझे नहीं पता, पर जानना चाहता हूँ, नेक्स्ट सीजन का वेट नहीं हो रहा है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर इस सीजन में जानने को काफी सारी चीजें, इसके अलावा क्या हमारा एंकोजी सच में कुशीदा को एक्सपेल करवा सकता है, क्योंकि सीरीज के सबसे ज्यादा ग्रिपिंग एक्टर्स में से या कुशीदा कैरेक्टर और हमारा जो राइटर है वो भी उस एक्टर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो क्या सच में ऐसा कर सकता है? आज की वीडियो में ये सारी बात को जानेंगे, मेरे एक्सपीरियंस को जानेंगे, मेरे आने वाले थॉट्स ओपिनियन को भी जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने कॉमेंट दो।一人で戦争を終わらせるつもりなんですよ。なんだと？さあ、この窮地をどう乗り切るか見せてくれよ。Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid.それだ理由。2022 एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साल रहा है, जहां पे क्लासरूम एली, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर, रेंट अ गर्लफ्रेंड जैसी पुरानी सीरीज है जिसको बहुत साल पहले बंद कर दिया गया, उन सबको वापस से लाया, और लाने के बाद उन सबके अगले सीजन भी आ रहे हैं, वो भी इसी सीजन के एंड होते ही। आग लगा दी। तो ये चीज देख के हम जैसे एनिमे फैंस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर सबसे बड़ी बात जो आज की है वो है क्लासरूम ऑफ द एली, जहां पे सीजन 1 में हमें ये दिखाया गया कि एंकोजी होड़ी किताब का टूल यूज कर रहा था, सीजन 2 के एंड में हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारा या एंकोजी की को सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल टूल बना था। だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も、串田も、平田も、これでいい。軽井沢慶は完全に俺に依存した。すべて予定通り、簡単には裏切らない。है। जिस तरीके से सीरीज प्रोग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, और इस चीज से आज मैं ये प्रूफ कर दूं कि जिस बंदे को कैलीग्राफी आती हो, जो बंदा टी पार्टी अटेंड करता हो और जो पियानो सीखता हो, उससे बच के रहना। पियानो तो शोदो नारो। तो आज की वीडियो के मुद्दे पे आते हैं। लाइट नॉवेल सीरीज अलग थी, लाइट नॉवेल वालों को सीरीज पसंद नहीं आई, पर पर्सनली मुझे ये सीरीज सेटिस्फाइंग लगी। सबसे पहले चीज एपिसोड 3, जहां पे बुली वाला सीन चालू होता है। काफी
काफी ज्यादा टेरिफाइंग सीन था, मैं डर गया था सच में। एपिसोड 4 जहां पे वो जब पेंसिल दिखाती है मैं भी डर गया था। एपिसोड 5 जहां पे कुशीदा ही इन्फॉर्मेशन लीक करी थी ये बात रिवील होती है। एपिसोड 6 जहां पे आयंकोजी होरिकिता को बचा लेता है और कुशीदा का चेहरा है भाई साहब टेरिफाइंग। एपिसोड 8 जहां पे बैक स्टोरी चालू होती है कुशीदा की जो ठीक ठाक थी, उसके अलावा जो पेपर वाला हुआ वो भी मुझे ठीक ही लगा। उसके अलावा एपिसोड 10 द मेन स्टोरी आर्क जब उसके पापा की एंट्री होती है, क्या ही सीन था, पूरे सीन फुल ऑफ गूज़बम्प्स। पर जो सबसे मेन हाईलाइट थी वो थी उसके नौकर की, जिसने आयंकोजी को वहां से भगाया था, स्कूल के बारे में बताया था, एडमिशन करवाया था। जब वो मर जाता है, जब उसका बाप उसको बताता है, फिर भी आयंकोजी के दिमाग में एक चीज नहीं झलकती, मतलब चेहरा बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं। और ये चीज देख के मैं ज्यादा ही डर गया। इसके अलावा एपिसोड 10 में जहां वो कहता है कि क्लास की प्रोग्रेस अब खत्म, एपिसोड 13 में फिर से प्रोग्रेस चालू, एपिसोड 11 कोइंजी की चोर, भाई साहब वो बंदा मुझे पूरे टाइम इतना ज्यादा दिमाग में चढ़ा हुआ था कि करता क्यों नहीं कुछ, करता नहीं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मार सकता है भाई, क्या ही बंदा है। उसकी और आयंकोजी की फाइट मुझे नहीं लगता कभी होगी, पर होगी तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। उसके अलावा एपिसोड 11 में कारुइजावा का टॉर्चर हो रहा था और वो कारुके के लिए जा रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ था इस चीज का। एपिसोड 12 वन वर्ड फैंटास्टिक, जो फाइट हुई ना जिस तरीके से फुल गूज़बम्प्स, दो दो मुक्कों में सबको लपेटा है ना, लास्ट में रूइन का चेहरा भाई साहब क्या ही था, बंदे को डरा दिया। वो चाहता था कि अपने चेहरे को कुछ दिखाए, डर खुशी गम कुछ भी नहीं भाई, चेहरा वैसे का वैसा ही, नो एक्सप्रेशन भाई, बिल्कुल ज्यादा ही ज्यादा, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीधा रूइन वर्सेस आयंकोजी, क्योंकि रूइन को सीजन 1 डेवलप कर रहे थे, मुझे उसको आयंकोजी तो देखना था, और जब देखा तो भाई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग फील हुआ भाई साहब, क्योंकि अब मुझे लगा कि सीधा कुछ दिखाने को बचा ही नहीं, पर मैं क्या जानता था कि एपिसोड 13 इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग। I don't know why this shit got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to leave it up here, right, right. और जिस तरीके से रूइन और आयंकोजी एपिसोड में एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, वो सीन देख के हबी दबी वाली बिल्कुल फील नहीं आती, एक बॉस और उसके असिस्टेंट की बारी आती है। अब देखना है कब तक ये हमारा रूइन लॉयल रहता है अपने हमारे आयंकोजी से। तो मेन बात करते हैं कि गलती कहाँ हुई, लाइट नॉवेल से इतना क्या अलग कर दिया कि लोगों को मजे आने बंद हो गए। तो बड़ी चीज, आयंकोजी का दिल काफी ज्यादा पत्थर का है, और मैं ये बात मानता हूँ कि जो लाइट नॉवेल लवर्स हैं उनको पता है कि किसी को इमोशन एक्सप्रेस करना ना आना और नहीं चाहता में फर्क होता है। एनीमे में वो करना ही चाहता, पर हमारे लाइट नॉवेल में वो सीख रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक एंटायर वॉल्यूम स्किप किया 4th एपिसोड तक। इसके अलावा जितना भी सीन अडेप्ट किया उनमें से उन्होंने थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से किया है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के हिसाब से ना ही मोनोलॉग रखे गए हैं, ना ही इतने ज्यादा डायलॉग रखे गए हैं, हम किसी तीसरे बंदे के उस हिसाब से कहानी देख रहे हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा इरिटेटेबल लगता है जो लोग लाइट नॉवल को देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा मोनोलॉग्स भरे गए हैं, कोई चीज़ें काफी ज्यादा उसके डायलॉग्स हैं, काफी ज्यादा उसके एक्सप्रेशन है, उसके अंदर काफी ज्यादा डीपली बात हुई है जो उसके अंदर मिसिंग रहती है, और एज अ फन फैक्टर, एज अ सस्पेंस, एज अ थ्रिल मेंटेनिंग, ये चीज मेकर्स को करना पड़ा ताकि लोग ऑडियंस जो लाइट नॉवल नहीं पढ़ रही है वो इंगेज रहे, और इससे ये चीज भी हुआ कि लाइट नॉवल जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो ये चीज देख के साथ पढ़ने लगे। ये हुई ना बात। इसके अलावा सीजन 2 के अंदर इसकी पेसिंग, इसका एनिमेशन, दो चीजों ने इसको काफी ज्यादा बिगाड़ दिया। मुझे एनिमेशन सच में बहुत अच्छा चाहिए था सीजन 1 जितना चाहिए था, पर वो नहीं मिला। उसके अलावा पेसिंग कहीं की काफी स्लो सीजन का, फिर कहीं कहीं फास्ट थी, पर ओवरऑल एक मेंटेन किया हुआ था। पर वही बात ना, जहां आप स्किप करोगे लाइट नॉवल से वहां बातें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगी, फिर आपको अगले एपिसोड थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस एपिसोड में बिल्कुल ही ओवरलोड नहीं किया, किसी ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया। इसके अलावा सीजन 2 और सीजन 1 में एक चीज काफी लगती है कि सीजन 1 में पहले 3 ही वॉल्यूम का डब किए थे, तो सीजन 1 में 4 एपिसोड थे उनके पास एक वॉल्यूम को दिखाने के लिए, पर सीजन 2 में बात बिल्कुल अलग रहती है। 4, 4.5, 5, 6, 7, 7.5 ये सारे वॉल्यूम्स लगभग उन लोगों ने अडॉप्ट किए। 8, 9, 10, 11 और 11.5 लोग सीजन 3 में अडॉप्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात,
सीजन 1 में पहले 3 वॉल्यूम अडॉप्ट हुए, सीजन 2 में वो लगभग 6 वॉल्यूम अडॉप्ट कर चुके हैं, सीजन 3 में वो लगभग 5 वॉल्यूम अडॉप्ट करेंगे, तो 11 वॉल्यूम, दो सीजन लगभग 24 एपिसोड के अंदर 11 वॉल्यूम अडॉप्ट करना काफी ज्यादा फोर्सफुल लगेगा। चीजों को बहुत तेजी से भगाना होगा और जब चीज समझ में नहीं आएंगी तो ऑडियंस का इंटरेस्ट भी खराब हो सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और एज अ एनिमे वॉचर, एज अ एनिमे लवर और जिसने लाइक नॉवल नहीं पढ़ी उसके लिए सब चीजें अंडरस्टैंडेबल है, उसको आयन कोची को देखना है, उसको मिस्ट्री को देखना है, उसको थ्रिल को देखना है जो इस सीरीज प्रोवाइड कर रही है। आज की वीडियो का जो सबसे मेन मुद्दा मेरा यही था कि आयन कोची सुजुने को कौन सा क्यों बंद करवाई। सबसे पहली रीजन यही मुद्दा में आती है कि उसको कुशीदा को एक्सपेल करवाना है, दूसरा रीजन यही आता है कि उसका भाई भी चाहता है और उसने उससे डील दी, तो पहला वाला ज्यादा सुटेबल लगता है कि उसको एक्सपेल करवानी है, तो ये अच्छा तरीका है। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ के कैसे ना कैसे होड़ी कीटा को वो मैनिपुलेट कर ही लेगा और मैनिपुलेट से आ रहा है ये भाई, कैसा मैनिपुलेशन था। सबसे पहले उसको तोड़ा, फिर उसको थोड़ा जोड़ा, फिर वापस से तोड़ दिया जब तक दम ना टूट जाए तब तक के लिए, फिर उसके बाद वापस बचा लिया और इस तरीके से भरोसा जीत लिया और एंड में क्या कहा, ट्रस्ट एबल टू। भाई साहब दिस वैन इज रियली वन स्कैरी, बट ये टैक्टिक रियल लाइफ में भी काफी लोग फॉलो करते हैं, तो इससे मैं ये कंक्लूड नहीं करूंगा कि आयन कोची इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, आप आयन कोची जैसे बन सकते हैं, नो, आयन कोची जैसा कोई भी नहीं बन सकता। उन्होंने खुद कहा कि व्हाइट रूम जैसा मास्टरपीस कोई दूसरा नहीं बन सकता, और मैं खुद मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि एक बंदा एक बार के लिए उड़ी की हाथ रूम जैसा बन सकता है, पर आयन कोची बनना इम्पॉसिबल। पर जो मेन बात है इस पूरी सीरीज की ये थी कि फॉल सीनियर्स और मास्टरपीस को गिराना जो अरिसु चाहती है, क्या पता आयन कोची भी यही चाहता हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि उसके पापा को ये पता चले कि वो कितना ज़्यादा ऊपर में है। वो अगर एक्सेल करेगा चीज़ में टॉप में रहेगा तो उसके पापा को अलग सी खुशी होगी और मुझे ही लगता है कि वो ये चीज़ चाहेगा। तो अब अगले सीन में क्या होता है, या तो हमारा आयन कोची एकदम से छोड़ देगा सब कुछ कि अरिसु उसको हरा दे ताकि उसके पापा को पता चले और फिर वो दुखी हो, या फिर वो उसको हरा देगा और किसी और पे ब्लेम डाल देगा जैसे वो पूरे सीन में करता है। सीजन 1 में उसने बोला होड़ी की तरह सब चीज़ के पीछे, सीजन 2 में बोला उसने कार्यजा सब चीज़ के पीछे, तो क्या बता सीजन 3 में कोई नया बंदा लेकर आए। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या आइडियाज हैं सब चीज़ों के बारे में कॉमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते रहना, मिलूंगा तुमने अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। それで D クラスは終わりだ。どうやら交渉の余地はなさそうだな。さあ、この窮地をどう乗り切るか見せてくれよ。素朴な質問なんだが、今の俺は窮地なのか。ああ。この場にいる4人じゃ、俺は止められない。To reality, nothing ever goes as planned in this accursed world.